तो आप ये कह रहे हैं ये इतने साल पुराना प्रसंग है और इसको किसी तरह से एडिट कर, काट छांट कर इस तरह से प्रचारित कर दिया गया, और क्या वजह आपको लगती है? जैसे बीच में ये भी रहा कि ये इसमें कहीं कोई शको शुभा नहीं है कि शिव पुराण घर घर पहुंच रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, बहुत छोटे इलाकों में मैंने देखा है कि जो आपने पूजा बताई है किस तरह से सोमवार को पूजा करनी है, वो आज घरों घर अगर चर्चा का विषय है, क्या आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकती है कि नाउ पंडित प्रदीप मिश्रा को टारगेट किया जाए? ये तो है कि जनमानस में आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं विदेश में भी भगवान शंकर की ध्वजा पताका लहराई है। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत आनंद के साथ एक बाल्यावस्था से भगवान शिव को घर घर पहुंचाया था, वैसे ही शिव महापुराण आज घर घर तक पहुंची है। परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के जो विद्रोही होते हैं उनको ये बातें ठीक नहीं लगती, वो एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए कुछ ना कुछ भड़काते हुए इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं जिससे सनातन धर्म पर लोग हंसे और उसका आक्षेप करें। जी जी,